IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला अक्षर की कहानी। इस श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं ये कार्यक्रम झा से झगड़ू की कहानी। नमस्ते बच्चों। अरे बस 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 बैठो 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 शाबाश बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ बैठो बैठो। अरे बैठो बैठो शाबाश। हाँ तो बच्चों आज क्या सुनोगे? हाँ। अरे ठीक है भाई, आज कौन सी कहानी सुनाओगे? आज मैं सुनाऊंगा, हाँ आज सुनाऊंगा मैं झगड़ू की कहानी। झगड़ू। हाँ भैया, झगड़ू कौन? झगड़ू ये कैसा नाम है? भाई झगड़ू था एक लड़का, वो हर किसी से झगड़ा करता रहता था, तो उसका नाम ही पड़ गया झगड़ू। झा से झगड़ू और झा से झगड़ा। शाबाश। अच्छा उसको सही बात भी बताओ ना, तब भी वो झगड़ा करता रहता था। अच्छा तो क्या वो बहुत झगड़ालू था? हाँ बहुत झगड़ालू था। झा से झगड़ालू। तो बच्चों उस गांव में एक छोटा सा झरना भी था। भैया झा से झरना। शाबाश। झा से झरना। वो गांव ना एक छोटी सी पहाड़ी के पास था, तो पहाड़ी से एक छोटा सा झरना गिरता रहता था। उसका पानी बहकर आता और सारा गांव उस साफ ठंडे पानी को पीता, उसका सब कामों में इस्तेमाल करता। भैया मेरी नानी के गांव में भी झरना बहता। अरे वाह क्या वाह। मैं छुट्टियों में जब शिमला गई थी ना भैया, मैंने उधर झरना देखा। अरे वाह, झरने का पानी फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा था। हाँ भाई वो तो होता ही है झरने का। तो ऐसे ही झरने का ठंडा साफ पानी पीकर सारे गांव वाले बहुत खुश होते थे। झगड़ू भी खुश होता था। हाँ मेरे प्याले प्याले मुन्नू, झगड़ू भी खुश होता था। और पता है वो क्या करता था? क्या भैया? क्या भैया? पहले पानी में कूड़ा बहाता, फिर झटपट गंदे बर्तन लाता और झरने के बहते पानी में धोता, फिर झूम झूम कर नहा। अरे वाह ठंडे पानी से नहाने में अलग ही बैल छुड़ाता हूँ, बहुत बैल लग गई। झा से झटपट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। झा से झूम और झा से झटपट, इसी बात पर हो जाए झटपट ताली। तो पता है आगे वो झगड़ू जो था वो झटपट गंदे कपड़े पानी में धोता, रगड़ रगड़ कर मैल छुड़ाता। अरे बड़े गंदे कपड़े हो गए, बहुत रगड़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। फिर तो सारा गंदा हो जाता। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने चुन्नी, सारा पानी गंदा हो जाता था और सारे गांव वाले कह, देखो झगड़ू अगर हम सब भी ऐसे पानी में कूड़ा बहाएंगे तो पानी गंदा हो जाएगा, तुम ये काम छोड़ दो। यहाँ गंदे कपड़े और गंदे बर्तन धोना छोड़ दो। पर झगड़ू मानता ही कहाँ था, वो हमेशा झगड़ा करने लगता। हाँ झगड़ा करने लगता था। तो जैसे झगड़ा। शाबाश भाई, हमारे बच्चे तो बहुत होशियार है। शाबाश, इसी बात पर हो जाए एक बार और ताली। ये हुई ना बात, शाबाश। तो बच्चों उस झरने के पास एक झोपड़ी। हाँ शाबाश, जा से झोपड़ी। बिल्कुल सही कहा मुन्नू ने, बहुत प्यारा बच्चा है। तो बच्चों जा से झोपड़ी, उसमें एक झुनिया रहती थी। झुनिया जादूगरनी थी। जादूगरनी? भैया झा से झुनिया। हाँ झा से झुनिया, जादूगर झुनिया। झा से झुनिया। झुनिया देखती कि झगड़ू रोज झरने का पानी गंदा करता है, उसने सोचा अब तो झगड़ू को सबक सिखाना पड़ेगा। तो बच्चों जानते तब क्या क्या हुआ? हाँ जब झगड़ू पानी भरने आया तो हमेशा की तरह पहले उसने पानी में कूड़ा बहाया,
फिर उसने गंदे बर्तन पानी में डाले और धोए और फिर पानी में नहाने के लिए घुस गया और ठंडे ठंडे पानी में मल मल कर अपना मैल छुड़ाने लगा। रगड़ रगड़ बस 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 पूछो आगे सुनो आगे सुनो। जादूगर जुनिया ये सब कुछ देख रही थी। उसने जादू का झंडा घुमाया। भैया झांसे झंडा। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, झांसे झंडा। और पता है जब उसने जादू का अपना झंडा घुमाया ना, तब पानी गरम होने लगा। हाँ बिल्कुल सच्ची में, जैसे झगड़ू पानी के बाहर आ गया। उसने देखा, अरे 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 ये क्या, अरे ये क्या, पानी तो उबलने लगा और भाप बनकर एकदम से उड़ गया। अरे अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पानी गायब हो गया। हाँ बच्चों सचमुच पानी गायब हो गया और पानी की जगह वहां काला काला झाग बन गया। ढेर सारा झाग, गंदा झाग, बदबू वाला झाग। झ से झाग, शाबाश, झ से झाग, काला काला। झगड़ू के कपड़ों पर, बर्तन पर और झगड़ू पर भी वो काला झाग चिपक। ये झाग कहाँ से आ गया, ये काला काला, वो कितनी बदबू आ रही है। हाँ तो बच्चों झगड़ू को बहुत गुस्सा आया, वो बहुत झल्लाया। तो पता है उसके बाद क्या हुआ? तभी उसने देखा कि सामने झुनिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। जब उसने सामने झुनिया को देखा मुस्कुराता हुआ तो गुस्से से बोला, ए झुनिया, तुमने ऐसा गलत काम क्यों किया, झंडा घुमाकर झरने का पानी उड़ा दिया, वहां झाग बना दिया, तुम कितनी बुरी हो, कितनी बुरी हो तुम। तब झुनिया ने झगड़ू को समझाया। पता है क्या समझाया? हाँ झुनिया बोली, देखो झगड़ू, तुम गंदे हो गए तो तुम्हें बुरा लगा ना, हाँ अगर तुम पानी गंदा करोगे, पानी में मैल बहाओगे, गंदे कपड़े धोगे, हैं, कूड़ा बहाओगे, तो ये पानी गंदा नहीं हो जाएगा। ये तो बहुत बात है। गंदे पानी को पीकर सब बीमार हो सकते हैं, फिर ये पानी किसी काम का नहीं रहेगा। जैसे अब तुम्हारे साथ हुआ ऐसा सबके साथ हो जाएगा। हाँ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोलो बोलो, किया ना तुमने गलत। ये भी बहुत गलत बात है, ये तो बहुत बुरी बात। हाँ तो बच्चों अब झगड़ू को सारी बात समझ में आई। उसने झुनिया से माफी मांगी और ये वादा किया कि अब वो कभी भी पानी गंदा नहीं करेगा। और पता है झगड़ू गांव वालों से क्या क्या बोला? गांव वालों मुझे माफ कर दो, झुनिया झुनिया तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ और ये वादा करता हूँ कि आगे से मैं कभी भी पानी गंदा नहीं करूंगा। और हाँ दूसरों को भी ऐसा करने से रोक। मैं तो पानी ढक के रखती हूँ। अरे वाह तुम तो कितनी अच्छी। मैं नल खुला नहीं छोड़ती। वाह मैं पानी ढक के रखती। अरे क्या बात है चुनू, बहुत बजाओ ताली इसी बात पर। हमारे सभी बच्चे बहुत समझ। तो इस तरह साफ सफाई रखनी चाहिए, हम सभी को रखनी चाहिए। तो पता उसके बाद क्या हुआ? तो बच्चों जब झगड़ू ने ये वादा किया कि वो आगे से कभी भी पानी गंदा नहीं करे, तो ये सुनकर झुनिया खुश हो गई और उसने अपना झंडा फिर से घुमाया। मेरा प्यारा झंडा घूम और दिखा अपना कमाल, दे दे कर दे था। और देखते ही देखते सारा का सारा झाग गायब और वहाँ ठंडा ठंडा पानी दोबारा वापस आ गया। और बच्चों अब झगड़ू ने लड़ना झगड़ना भी छोड़, जैसे और जैसे झगड़ना, जैसे झगड़ना, शाबाश। तो क्या वो अब झगड़ालू नहीं रहा? नहीं बच्चों अब वो बिल्कुल भी जैसे झगड़ालू नहीं रहा।
और फिर पता क्या हुआ, उसने जैसे झाड़ू लगा उसने जैसे झूले भी लगाए। शाबाश, क्या बात है पुनीत, बहुत बढ़िया, झांसे झूला, क्या बात। उसने झांसे झंडा भी लगा, झंडा भी लगा बिल्कुल लगवाया झांसे झंडा, बहुत खूब बहुत खूब, ताली बजाओ सब, ताली, शाबाश। क्या उसके सब गांव वाले से दोस्त? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने, उसकी सब गांव वालों से दोस्ती हो गई और अब उसे समझ में आ गया कि सफाई क्यों जरूरी है। तो उसने काम की बात मानी और खत्म हो गई झांसे झगड़ू की कहानी। इसी बात पर बजाओ ताली। एक गांव में था एक झरना, झांसे झरना, झांसे झरना, झांसे झरना, झांसे झरना, झगड़ू को पानी था भरना, झांसे झगड़ू, झांसे झरना, झांसे झगड़ू, झांसे झरना। झगड़ू बर्तन लाया सरपट, झरने में डुबाया झटपट, झांसे झगड़ू झरना झटपट, झांसे झगड़ू झरना झटपट। कपड़े साबुन रगड़ू, झूम उठा ठंडे पानी में, मैल छुड़ाता उसमें झगड़ू, झसे झूम झसे झगड़ू, झसे झूम झसे झगड़ू। फिर झुनिया ने क्या किया? झरने का पानी उड़वाया, काला काला झाग बनाया, तब झगड़ू को गुस्सा मिला न पानी तो झल्लाया, झसे झरना झसे झाग और झसे झगड़ू झल्लाया। तब झुनिया ने ये समझाया, झगड़े का कारण बतलाया, तुमने कितना मैल बहाया, झगड़ू ऐसा काम न करना, इससे होता गंदा झरना। अच्छा जुनिया, अब से ऐसा नहीं करूँ। झसे झगड़ू, झसे झुनिया, झसे झगड़ा, झसे झरना। झगड़ू को समझ ही आया, झुनिया ने झंडा फहराया, घूमा जब जादू का झंडा, फिर से आया पानी ठंडा, खुश झगड़ू ने लड़ना छोड़ा, गाँव वालों से नाता जोड़ा, खुश झगड़ू ने लड़ना छोड़ा, गाँव वालों से नाता जोड़ा, बात काम की उसने मानी। ये थी झगड़ू की कहानी, ये थी झगड़ू की कहानी, ये थी झगड़ू की कहानी।
झांसे झगड़ू की कहानी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम भाषा परामर्श डॉक्टर नीलकंठ कुमार भाषा शिक्षा विभाग NCERT। कलाकार प्रवीण शर्मा और बच्चे, संगीतकार राकेश पंडित, गायन स्वर नेहा वत्स रक्षित और बच्चे, ध्वनिंकन बटीलैंग लिंगडो, निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल, आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।